जैसे हमारी पार्टी थोड़ी सी आगे आई तो नक्सली हमारे पीछे 8 किलोमीटर तक आए हैं, और वो 8 किलोमीटर तक आने के बाद जब सीआरपी को हमारे को पता चल गया ना इस जीआरपी सीआरपी है, फिर हमने उनको फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन लग रहा था, हमने फ़ोन किया, सेट एक सेट से कम्युनिकेशन करवाया, फिर हमारा डीसी सर उन्होंने बोला कि ऊपर पहाड़ी पे बैठे रहोगे क्या, नीचे नहीं आओगे, फिर उन लोगों ने नीचे से आके दाहिनी तरफ से पूरा घेरा डाला है, फिर वो नक्सलियों के ऊपर जब इन्होंने जूबी जल मारे ना सीआरपी ने, तब वो नक्सल पार्टी वापस हटी है। पार्टी जो भी वहाँ पे फायर हुआ, सबसे पहला जो वहाँ से फायर आया तो फायर आरबीजी राउंड का फायर आया, तो इतना तगड़ा धमाका होता आरबीजी राउंड का, उसमें आदमी दहल जाता है कि क्या हो गया। और जैसे वो फायर आया तो उसके बाद फिर एसटीएफ और डीआरजी वालों ने फायर खोल दिया, यूबीजीएल सीजीएल, फिर वहाँ पे इतना चला, हमारे 2 IC सर थे इसमें संदीप द्विवेदी सर, वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी और एक रान पे गोली लगी, और हमारे डीसी सर हैं मुनीश सर, उनके हेड पे बैक साइड में उनके यूबीजीएल का स्प्लिंटर लगा। एक हमारा इंस्पेक्टर साहब है वो बेचारा बाद में शहीद हो गया, वो तो ग्राउंड के अंदर उसको हिट हुआ, बुलेट हिट हुआ सीधे डायरेक्ट चेस्ट पे सामने से, नक्सल को खदेड़ते हुए पार्टी को फायर एंड मूव करवा रहे थे एडवांस, तो उन्होंने एक कोने से मतलब कि पार्टी को गुजारा, तो बस वहीं से उनको किसी ने झाड़ी में शूट किया, वहीं से गया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो एम्बुश में घेरे थे, हमने उनका एम्बुश तोड़ा, CGRL RL मारा है, जूबीजल मारे, एम्बुश तोड़ा, एम्बुश तोड़ के फिर वहाँ से हम भागे हैं सारे पूरे DRG STF, फिर हमने उल्टा उनके ऊपर किया, काउंटर एम्बुश किया, वहाँ मुठभेड़ चली 6 घंटे, वहाँ से हम लोग सेट पे बोलते रहे। बाकी मैंने एक चीज़ देखी, कोबरा में बड्डी सिस्टम है, यूनिटी है, कुछ भी हो जाए, मैं जब वहाँ से निकला ना, एक जिंदा नक्सली को पकड़ा, उसको अपनी ढाल बना के ना मैं वहाँ से निकला अपनी पूरे सेक्शन को लेके, और मेरे सेक्शन जहाँ जहाँ जाती गई मेरे ऊपर एक भी गोली एक भी सेल फायर नहीं किया किसी ने, क्यों, मेरे पास जिंदा नक्सली था, उसी को ढाल बना के मैं ले आया। भाई नरेश उस्ताद, आपने जो CSWT बेलगाम में सिखाया, 3 महीने आपसे रगड़ा खाया, लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखी, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ो लड़ो और जीतो, फाइट करो, ठीक है, जीतेगा कोबरा, जीता कोबरा लास्ट तक लड़ता, और हम लड़े, कल हिडमा को हमने बता दिया कि साले तूने गलत जगह पंगा ले लिया, उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने, कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके, 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई हैं गांव में, आज जो टीमें वहां गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया इतना नक्सली मारा है, गांव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को, वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका, वो आएगा वो निकालेगा पत्रिका में पक्का लिखेगा वो। भाई इन बंदों को सल्यूट है दिल से, जो बंदे गए, कल हमने कैंप में आके खाना नहीं खाया, हमारा खाना ऐसे पड़ा रह गया, रात को 1:30 बजे कैंप में वापस आए, हमने नींद नहीं आई, आज पूरा दिन भी हम पूरे ऐसे बैठे रहे लेकिन मन नहीं किया। अभी DIG बीजापुर DIG जो है कोमल सिंह साहब है, जो वो आ रखा कैंप में, कल ब्रीफिंग है, कल DG साहब भी आ रहा है बीजापुर में, तो आज आ गया, रायपुर में DG साहब आ चुका है, अभी यहाँ पे है, कल उनका दरबार है, बीजी जाए पता नहीं ब्रीफ करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो उसका है। बाकी भाइयों इस फौज को सैल्यूट है, लड़ती है करती है और काम पे खरी उतरती है, लेकिन ग्राउंड में जो लड़ा वो बिल्कुल सही तरीके से बेड़ा पार करता है, जो वहाँ पे डर गया ना, मैंने ये चीज़ कल सरेआम देखी, जो डर के बैठ गया ना उसको बुलेट तो बैठे बैठे भी लग जाएगा, जो वहाँ से दाएं बाएं जाके फायर करता रहा निकलता रहा फायर करता रहा निकलता रहा, उनके फायर की चिंता नहीं करनी, उनका फायर तो चलता रहेगा, वो उनके पास पता नहीं कितना अमुनिशन था कितना सेल था क्या था, ये समझ में नहीं आया कि इतना अमुनिशन उनके पास कहाँ से आ गया। इसमें कैजुअल्टी बहुत बड़ी होनी थी, बहुत ही ज़्यादा 76 से ज़्यादा हो जानी थी, क्योंकि हमारी पार्टी DRG और STF टोटल मिला के 380 की नफरी उस LOP के ऊपर थी, लेकिन जो जुनून
इस एक्शन में दिखा, क्या वो DRG का था, क्या वो STF का था, क्या वो कोबरा था। लड़े और लड़े इस जुनून में कि जीतना है और बच के निकलना है। शायद उसी जुनून के कारण हम लोगों की कैजुअल्टी जितनी, दुनिया तो बोलती ना बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, मैं ये मानता हूँ कि ये कैजुअल्टी अभी बहुत नॉर्मल है। अगर ना एम्बुश तोड़ते ना कुछ करते तो उन लोगों ने हमारे पे UBGL और आर UBGL और RBG सेल मार मार के पूरा हमारे को नेस्तो नाबूद कर देना था और हमारा सर कुछ ले जाना था। हमारे कोबरा के बंदों ने इतना किया कि जो बंदा डेड हो गया ना उसका डेड बॉडी जो तो उठा सका वो तो उठाया, लेकिन जो डेड बॉडी वहाँ छूटा ना उसका वेपन उठा के ले आए, इतना किया हमारे बंदों ने। ये नक्सली पकड़ा था वहाँ से, ये ID एक्सपर्ट है। इसने बाद में बताया कि इस मकान के अंदर पूरा ID का सामान छिपा रखा है, पूरे मकान के सर्च के इसमें ID का बहुत सामान मिला, सारा सामान मेरे नक्सली को आज जमा करवाया बीजापुर थाने में जाके। इसको बहुत पीटा रास्ते में, जो आ रहा है इसको पीटते जा रहा है, इसको भी ले आए साथ ही अपने, इसके चलते हम बचे, नहीं तो हम लोग गए थे। इतना फायर स्ट्रोंग था, गर्मी ऊपर से इतनी है, डिहाइड्रेशन पूरी जवानों की हो गई बॉडी, बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत मतलब कि जवानों ने बहादुरी के साथ लड़े हैं और बचे हैं और जीते हैं इनसे। अभी देखो आगे क्या होता है, हिदमा कम से कम नहीं तो 500-600 नक्सली के साथ वहाँ पे मौजूद है और आगे भी ऑफ चलेंगे। अभी TCOC चल रहा है, बड़े बड़े कांड होने हैं इसमें।